आप देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ आरफा रोहिल। हमारी क्राइम रिपोर्टर सैयद जियाउर रहमान सखर से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलते हैं कि डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर जावेद अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर्स ब्यूरो ऑफ सप्लाई ASP CT समेत दीगर के हमरा शहर का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर जावेद अहमद ने घंटा घर, विक्टोरिया मार्केट, अनाज बाजार, पान मंडी, ढक रोड और दीगर तजारती मराकज़ का दौरा करते हुए एशिया खुदनोश की फरोख के लिए नोक चेक किए और खरीदारी करने वाले शहरियों से इनके मुतालिक मालूम थी। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना भी आयद किए गए और इन्हें सख्ती वार्निंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर सखर का कहना था कि माह रमज़ान मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजायज़ नरखसोल करने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों समेत सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया मुहतरक से डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर जावेद अहमद ने बाजारों का दौरा करते हुए तमाम रमज़ान ऑर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले जूस पॉइंट को सेल करते हुए दुकान मालिक को गिरफ्तार भी किया और दीगर दुकानदारों को भी हिदायत देते हुए कहा कि माह रमज़ान मुबारक रहमत और बरकतों का महीना है, इसका एहतराम हम सबका मजहबी और इखलाकी फ़र्ज है। एहतराम रमज़ान पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। तजारती मराकज का दौरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर सखर ने दुकानों से बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को भी जुर्माना आयद करते हुए इन्हें तनबिया करते हुए कहा कि ज़िला इंतजामिया सखर शहर में इनको अरेंजमेंट के खात्मा और शहर को ट्रैफिक जाम के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए कोशा हैं और काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ चुकी है। शहर की सड़कें और तजारती मराकज़ कशादा हो गए हैं। अगर किसी ने भी तजावज काम करने की कोशिश की तो इससे सख्ती से निपटना जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अमल में लाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के अचानक दौरा और नाजायज़ नरखसोल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर शहरियों की जानिब से इसका खैर मकदम करते हुए इनको सराहा और ये मुतालबा भी किया कि ज़िला इंतजामिया के अफसरान की जानिब से इस तरह के सरप्राइजेज दौरों का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिएगा कराची एक्सप्रेस न्यूज़।